हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आज का टॉपिक इस बारे में है कि हम अपने मोबाइल का इंटरनेट फाइल्स और फोटोज अपने मोबाइल से एक यूएसबी केबल के मदद से अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल को एक यूएसबी केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा और ये यूएसबी केबल इसमें से ऐसे अटैच होगा, तो इसको निकाल लीजिए। और आगे का और उसके बाद आप इस यूएसबी केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और अपने मोबाइल के चार्जर में इसको कनेक्ट कर दीजिए। और बाकी का मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम अपने पीसी से कनेक्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली अब हमको करना क्या है कि ऊपर से हमको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन तीन ऑप्शंस मिलेंगे, चार्ज दिस डिवाइस, ट्रांसफर फाइल्स, ट्रांसफर फोटोज। तो अगर आपको इस डिवाइस को चार्ज करना है तो इसी पे रहने दीजिए, और अगर आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है तो ट्रांसफ़र फाइल्स पर चले जाइए। इससे आपको अपने पीसी में अपना डेटा ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी। और अगर आपकी फ़ोटोज़ अगर आप अपने फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर से स्क्रॉल डाउन करके इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ट्रांसफ़र फ़ोटोज़ पे क्लिक कीजिए। इससे आप अपनी फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने लैपटॉप या पीसी में। और अगर आप अपना इंटरनेट कनेक्शन अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इंटरनेट को, तो आप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए USB। यहाँ पे देखिए USB 3.18 का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और USB यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा USB 3.18 को, उसको आप ऑन कर दीजिए। इससे आप अपने लैपटॉप या पीसी को इंटरनेट कनेक्शन अलाउ कर पाएंगे अपने फोन से। उम्मीद है आप